हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। देश के कई राज्यों की 64 विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग आज रिव्यू मीटिंग करेगा। इसके बाद उपचुनाव तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। हरियाणा में सोनीपत जिले की बरौदा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान संभव है। बता दें कि बरौदा की सीट कांग्रेस के विधायक श्रीकृष्ण हुड्डा के निधन के बाद खाली हुई है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान कहा था कि उपचुनाव की घोषणा 29 सितंबर को की जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि देश भर में उपचुनाव एक ही दिन कराए जा सकते हैं। कृषि कानून के विरोध में हरियाणा कांग्रेस की चंडीगढ़ में सड़कों पर उतरी और विरोध प्रदर्शन करते हुए राजभवन की ओर कूच किया। कांग्रेस कार्यालय से राजभवन तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किया, लेकिन जैसे ही कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राजभवन की ओर बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोक दिया और सिर्फ 6 लोगों को ही राज्यपाल से मिलने की इजाजत दी। छह नेताओं ने कृषि कानूनों पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार पर जमकर वार किए। वहीं किसानों की जगह कांग्रेस के आंदोलन करने के सवाल पर शैलजा ने कहा कि वे ऐसा मौका ही क्यों दे रहे हैं, अगर हम किसान के साथ जाकर खड़े होते हैं तो उसमें बुराई क्या है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कृषि कानूनों पर कांग्रेस के विरोध को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठ का प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि फसलों की खरीद एमएसपी पर शुरू हो गई है, इसलिए एमएसपी का पर भ्रम फैलाने वाली कांग्रेस झूठी साबित हुई है। उन्होंने कहा कि जल्दी कांग्रेस का झूठ खत्म हो जाएगा। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कई मुद्दों पर पत्रकारों से बात की। विज ने जहां तक एक तरफ कहा कि कांग्रेस के प्रदर्शन पर हमला बोला, वहीं बताया कि किसानों की धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। विज ने कहा कि कांग्रेस दूसरों की भट्टी में अपना दाने ढूंढ रही है। किसानों को लेकर बनाए गए तीनों कानूनों को सभी तरफ उनका स्वागत हुआ है। कृषि कानून को लेकर लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए बीजेपी के नेता लगातार मीडिया के सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं। इसी सिलसिले में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी सरकार का पक्ष रखते नजर आए। आज कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर एक बार फिर इस कानून के समर्थन में बोले और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के पैदल मार्च पर जमकर निशाना साधा। रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दिनों कुछ कांग्रेसियों का रोजगार छिन गया है, इसीलिए वो पैदल मार्च निकालकर बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला सोमवार को कैथल दौरे पर रहे। बराला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मसलों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हरियाणा ही नहीं देश के कई राज्य में किसान का आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन किसान अपने तीन कानूनों के विरोध में कर रहे हैं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि किसानों को विरोधी पार्टियां गलत जानकारी दे रही हैं। अगर किसान इसको सही बैठकर समझे तो ये तीनों कानून किसानों के हित में है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला करनाल के जिला सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने डीसी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभय चौटाला ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि हमारी पार्टी ने ही सबसे पहले किसान बिलों का विरोध किया था। इसी के साथ उन्होंने एनडीए से अलग हुए अकाली दल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर शिरोमणि अकाली दल पंजाब में किसानों के हक की लड़ाई लड़ता है तो इनेलो भी उनके साथ खड़ी है। देशभर के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने 8 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में जुटने का आह्वान किया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज पूरा देश पूंजीपतियों का गुलाम होने जा रहा है, इसीलिए आज देश के कई मुख्य किसान नेताओं को आगामी आंदोलन को लेकर चर्चा की गई और तय किया गया कि इस आंदोलन को पूरे देश में तेज करने के लिए 8 अक्टूबर को पूरे देश के सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की मीटिंग कुरुक्षेत्र कंपोज धर्मशाला में सुबह 11 बजे होगी।
हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का किसानों द्वारा विरोध लगातार जारी है। बरौदा हल्के के गांव छिछड़ाना में किसानों ने अर्धनग्न होकर और काले झंडे दिखाकर हुए जमकर कई नारे लगाए। बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल बरौदा हल्के में पड़ने वाले सात गांव के दौरे पर थे। जेपी दलाल ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने किसानों की आंखों में केवल धूल झोंकने का काम किया है और किसानों को बरगलाकर उनके वोट हासिल किए हैं। करनाल में किसानों और आढ़तियों ने अनाज मंडी में विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि जब राइस शेलर साथ नहीं है, बारदाना पास नहीं है, तो खरीद का क्या फायदा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि खरीद के बाद उठान नहीं होगा और उठान न होने से धान काली पड़ जाएगी, जिसका नुकसान किसान और आढ़तियों को ही उठाना पड़ेगा। अनाज मंडी में अधूरी तैयारियों और असुविधाओं का मुद्दा उठाते हुए किसानों और आढ़तियों ने मार्केटिंग बोर्ड के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हंगामा इतना बढ़ गया कि दफ्तर को बंद कर दिया गया। किसानों और आढ़तियों के हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस को भी बुलाना पड़ा। किसानों का कहना है कि इस तरह की खरीद से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। पिहोवा में किसानों ने फसल खरीदना होने पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए किसानों ने अंबाला रोड पर जाम लगा दिया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसान हरमनदीप सिंह विर्क ने कहा कि लगभग 10 दिनों से कई किसानों की फसलें मंडी में पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने घोषणा की थी कि 27 सितंबर से खरीद शुरू की जाएगी, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। इधर झज्जर में मुआवजे की मांग को लेकर 9 गांव के किसान धरने पर बैठ गए। किसानों ने सरकार पर उनकी जमीनें हड़पने और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। दरअसल भदाना गांव से होकर दादरी तोये तक किसानों के खेतों में हाई वोल्टेज या बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं। सरकारी आदेशों के बाद अंबाला कैंट की बुआना अनाज मंडी में धान की खरीद नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि मंडी में ना तो पानी और चाय की सुविधा है और ना ही कहीं बैठने की। किसानों का कहना है कि वो पिछले 9 दिनों से मंडी में बैठे हैं, लेकिन यहां किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। करनाल में खरीद एजेंसियों की ओर से तैयारी पूरी ना होने के कारण धान की खरीद नहीं की गई। इस मामले में आढ़तियों ने मार्केट कमेटी कार्यालय में पहुंचकर रोष जताया। आढ़तियों का कहना है कि खरीद एजेंसियों के पास बारदाना ही नहीं है, जब बारदाना नहीं है तो खरीद कैसे हो सकती है। इसके अलावा राइस मिलर्स भी खरीद करने को तैयार नहीं है। मंडी में करीब 50,000 क्विंटल धान है, जबकि खरीदार कोई नहीं है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू न होने को लेकर किसानों ने मंडी बोर्ड सचिव के कार्यालय पर ताला जड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने मंडी बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि अगर खरीद नहीं तो फिर घर बैठो। दरअसल प्रदेश सरकार ने दावे किए थे कि कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल समेत 4 जिलों में 26 सितंबर से धान की खरीद शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द उनकी फसल खरीद शुरू नहीं हुई तो वे आत्मदाह कर लेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा किसान की कपास और बाजरे की खराब हुई फसल को लेकर प्रदर्शन किया गया और जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष प्रीत सिंह का कहना है कि रोहतक जिले में कपास और बाजरे की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। सफेद मक्खी आने से कपास की फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और कुछ इलाकों में तो पानी भरने से बाजरे की फसल भी खराब हो गई है, जिसको लेकर आज जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। सिरसा में कोरोना के नए केसेस के आने का सिलसिला जारी, लेकिन राहत की बात यह है कि सिरसा में कोरोना ग्रोथ रेट में सुधार हुआ है। सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि पहले कोरोना ग्रोथ रेट 4% थी, जो अब घटकर 2.5% हुई। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह में कोरोना केसों के घटने की संभावना है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने की मुहिम में लगी रोहतक पीजीआई की टीम को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक को वैक्सीन तैयार होकर मार्केट में आ जाएगी, क्योंकि पहले फेज का ट्रायल सफल रहा और दूसरे फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है, जिनके नतीजे आने अभी बाकी हैं।
झज्जर में युवती के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने के चलते पूरा समाज भारी संख्या में जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचा। परिवार ने उपायुक्त को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द उचित कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि मामला सितंबर 2019 का है, जब पीड़िता को अकेला पाकर गांव के दबंग ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंग के रसूख के चलते उस पर कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच दबंग ने पीड़ित परिवार पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हुए मारपीट की। पानीपत के गांव नारा की मेन सड़क इन दिनों तालाब में तब्दील हो गई। पिछले 20 दिन से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और न सिर्फ ये गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है बल्कि इस गंदे पानी के चलते लोगों का रोजगार छिन गया है। गांव में अब महामारी फैलने का डर बना हुआ है। रेवाड़ी में मौजूद धारूहेड़ा के सेक्टर 4 और 6 में लोग सीवर के गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि पिछले करीब 1 साल से भी ज्यादा समय से छोटे अधिकारी से लेकर प्रदेश के मुखिया तक को अपनी गुहार लगा चुके हैं लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। यही नहीं, सीएम विंडो पर भी कई बार शिकायतें कर चुके हैं लेकिन वहां भी समाधान नहीं हो पाया। सेक्टर वासियों का कहना है कि काफी समय पहले जब दारूहेड़ा की आजादी इतनी नहीं थी तब नगर पालिका ने सीवर लाइन डाली थी लेकिन आज आबादी काफी बढ़ चुकी है, गांव अब कस्बा बन चुका है। ऐसे में सीवर लाइन के पाइप छोटे होने के कारण वे जगह जगह ओवरफ्लो हो जाते हैं। ओवरफ्लो होने के कारण इसका पानी सड़कों पर आ जाता है। ये मामला दो विभागों के बीच फंसा हुआ है। नगर पालिका इसे जन स्वास्थ्य एवं अभियंत्रिकी विभाग का मामला बता रही है, वहीं जन स्वास्थ्य विभाग इसे नगर पालिका का मामला बता रहा है। दोनों विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। इधर झज्जर के खेड़ी आसरा गांव के ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। ग्रामीणों में पीने के पानी और बुढ़ापा पेंशन न आने की शिकायत को लेकर उच्च अधिकारियों से मुलाकात की गई। फतेहाबाद में फीस माफी को लेकर निजी स्कूल के बाहर बच्चों के अभिभावकों ने हंगामा किया। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल लॉकडाउन के दौरान पूरी फीस मांग रहे हैं जबकि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा भी नहीं दी गई। अभिभावकों का कहना था कि ऑनलाइन क्लास के नाम स्कूल प्रशासन पूरी फीस की मांग कर रहा है जबकि ऑनलाइन क्लास से बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहे। ऐसे में पूरी फीस लेने का औचित्य ही नहीं बनता। हरियाणा पात्रता परीक्षा पास करके शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। अब ऐसे अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की पात्रता की बजाय 7 वर्ष मिलेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया है। इससे पहले भी पत्र जारी हुआ था लेकिन उसमें ये जानकारी नहीं थी कि किन अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। पराए मोटर स्टार्टर, किसानों का सच्चा साथी। आ गया इंडिया का त्योहार, फिर होगी मैदान में छक्के चौकों की बौछार। एक बार फिर दिखेगा माही का जलवा, सुनाई देगी रोहित विराट की दहाड़। चैंपियंस की चैंपियंस से टक्कर देखिए हर रोज शाम 5:30 बजे IPL 2020। राजनीति की गहमा गहमी, हाल चारों पासे के, के
ਟਿਕਟਾਂ ਵਸ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੇ ਹਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਭਰ ਕੀ ਚਾਲ ਬਤਾਵਾਂਗੇ ਚੌਗਰਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਂ सिर्फ आपके अपने चैनल हरियाणा न्यूज पे सोमवार से शनिवार सांझ ने 6 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। एक बार फिर से रुक करेंगे फटाफट हरियाणा का। नांगल चौधरी में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। कृष्णावती नदी में बजरी खनन से लेकर अरावली की पहाड़ियों में पत्थर का अवैध खनन जोरों पर है। इसके अलावा किसानों को कुछ रुपए का लालच देकर उनकी कृषि योग्य भूमि को भी खोदा जा रहा है। गांव के आसपास सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि भी गहरे गड्ढों में तब्दील दिखाई दी। वहीं माफियाओं ने के डर से स्थानीय लोग शिकायत करने को भी तैयार नहीं। इस मामले को लेकर हरियाणा न्यूज ने विधायक और खनन अधिकारी से बातचीत की। होडल में ओवरलोडेड वाहनों पर शिकंजा कसने के पुलिस के दावों के बाद भी सड़कों पर ओवरलोड वाहन बिना किसी डर के दौड़ रहे हैं। पुराना जीटी रोड पर धान की बोरियों से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ने 27 साल के युवक की बाइक को टक्कर मार दी। घायल को इलाज के लिए अस्पताल तो ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिसार के नए पुलिस कप्तान बलवान सिंह राणा ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाला। पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता जिले में फैले अपराध को रोकने की होगी। उन्होंने अपराधियों को साफ लहजे में चेतावनी दी है कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर हिसार को छोड़ दें। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस पब्लिक सेमिनार भी चलाए जाएंगे जिससे पुलिस को पब्लिक का भी सहयोग मिलता रहे। महेंद्रगढ़ में आवारा गौवंश लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। आवारा गौवंश आए दिन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीते दिन एक 70 साल की महिला को गौवंश ने घायल कर दिया। परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी हालत स्थिर है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। करनाल के गांव झंझाड़ी के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव हाईवे पर झाड़ियों के पास से मिला। बताया जा रहा है कि युवक का शव पॉलिथीन और कंबल में लपेटा हुआ था। जब किसी ने कंबल को उठाने की कोशिश की तो वहां एक युवक की डेड बॉडी नजर आई जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी का कहना है कि शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। मृतक युवक के चेहरे पर खून के निशान थे। बहरहाल अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग और जिला पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब जिला उपायुक्त के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए औद्योगिक कस्बा बावल से लिंग परीक्षण करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने इस दौरान जांच मशीन के साथ गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम मानेसर ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुग्राम के सूरत नगर में बने वेयरहाउस से अवैध शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब माफिया सतीश और पिस्ता का सूरत नगर में अवैध शराब का गोदाम है जहां से शराब की सप्लाई की जाती है। जिस सूचना पर गुरुग्राम पुलिस ने गोदाम में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 520 पेटी अवैध शराब मौके से बरामद हुई जिसमें अंग्रेजी शराब भी शामिल है। जिसके बाद मौके से गुरुग्राम पुलिस ने सतीश उर्फ तिस्सा के 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल समेत 3 आरोपियों को धर दबोचा है। जानकारी दे दें कि 26 सितंबर को करनाल पुलिस की क्राइम यूनिट एंटी ऑटो थेफ्ट टीम द्वारा गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। पूछताछ के दौरान आरोपियों से और भी चोरी वारदातों का खुलासा हुआ जिसके आधार पर आगे की जाँच की जा रही है। रोहतक जिले के बैसी गांव में अपने घर के बाहर सफाई कर रहे किसान की किसी ने सिर से गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के बाद लाखन माजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जिला जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। मृतक की बेटी ने अपने पति समेत कई लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की सोना क्राइम यूनिट ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों चोरों ने कुछ दिन पहले सोना के वार्ड नंबर 3 के एक मकान से लाखों रुपए के गहने और 1,60,000 की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। अधिकारियों का कहना है कि दोनों चोर नशे के आदी हैं और काफी दिनों तक घर की रेखी करने के बाद चोरों ने वारदात को अंजाम दिया।
गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 4 किलो चांदी और सोने गहने और कैश बरामद किया। वहीं पुलिस चोरी का माल खरीदने वालों की भी तफ्तीश करने में लगा है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि इन्होंने और कितनी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। हरियाणा के मेवात में साल 2016 में हुई गैंगरेप और मर्डर केस के संबंध में जांच कर रही दिल्ली सीबीआई की टीम ने एक आरोपी रविंदर को गिरफ्तार किया। रविवार को सीबीआई की टीम ने आरोपी को पंचकुला स्थित सीबीआई की कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक 2016 में मेवात के डिंगरहेड़ी में देर रात कुछ आरोपियों ने एक घर में जबरदस्ती घुसकर करीब 40 साल की महिला और पुरुष की हत्या कर दी थी और 22 साल युवती और एक अन्य नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। एसआईटी ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान संदीप, अमरजीत, कमरजीत और राहुल के रूप में हुई थी। परिवार के सदस्यों की जांच से संतुष्ट न होने और हरियाणा सरकार की किरकिरी होने के चलते मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी, जिसमें जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई ने एक और आरोपी रविंदर को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने बैंक खाते से रुपए उड़ाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। बता दें कि ये गिरोह मोबाइल सिम को 4G से 5G अपग्रेड करने का लालच देकर लोगों के बैंक खाते से पैसे लूट लेते थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए जामताड़ा, झारखंड और कर्नाटक से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोसली के गांव में 2 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि आरोपी मासूम के पड़ोस में ही रहता है। ये आरोपी पहले भी इसी तरह की हरकतें करता रहा है। सोना के तिकोना पार्क पर उस समय दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिस समय पहाड़ी घाटी से उतरते समय एक ट्रॉला ने एक कार को टक्कर मार दी। कार ने सामने जा रहे सवारी थ्री व्हीलर को टक्कर मारी। थ्री व्हीलर पलट गया और थ्री व्हीलर में बैठे लोग ट्रॉला और कार की चपेट में आ गए। गंभीर हालत में लोगों को अस्पताल में ले जाया गया। इस पीछे एक युवक ने अस्पताल जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।